विधायक ने कहा, विपक्ष सरकार को अस्थिर नहीं करता, जेएमएम खुद जिम्मेदार। जी हां, जेएमएम को अस्थिर करने के मामले में राजनीति गरमाने लगी है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार अस्थिर नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, हम 5 सालों तक सत्ता में रहेंगे। हालांकि जेएमएम विपक्ष पर यह आरोप लगाते रहा है कि उनके सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि विधायक सीता सारेन पर आरोप लगा है, सुनिए क्या कहते हैं मंत्री। दूसरी ओर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि विपक्ष नहीं बल्कि जेएमएम अपने सरकार के कार्य से संतुष्ट नहीं है। वे खुद बताएंगे कि उनके सरकार में क्या चल रहा है। विपक्ष उनके सरकार को अस्थिर करने के प्रयास में नहीं है। निकली है और उन्होंने मीडिया में बयान दिया है कि सरकार को अस्थिर करने का कोशिश कर रहे हैं कुछ जेएमएम के विधायक। देखिए, वो दिल्ली गए हैं और मिलते आए हैं, वो चाहते थे। अब जोहर सीता सोरेन जी का क्या बोले हैं राज्यपाल जी का, अभी खबर लिया नहीं है। और अस्थिर सरकार नहीं है, सरकार 5 साल चलेगा। चलना अलग बात है, लेकिन जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, अब तो दूसरे लोग कर रहे हैं ना, उसका नाम दिए क्या? तो क्या आप भी मान रहे हैं कि आपके सरकार को अस्थिर करने की ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि 1932 का खतियान जो है उसको हर कीमत पर लागू करेंगे, लेकिन आपका सीएम ने यूटर्न लिया है और उसने कहा है कि कोर्ट जो है वो सर्वोपरि है। देखिए, कोर्ट क्या यूटर्न लेगा, क्या लेगा, नहीं लेगा। जब बिहार में जब हम थे उसमें 32 था, बिहार में भी 32 है, तो यहाँ क्या दिक्कत है 32 होने में? तो क्या आपको लगता है कि सीएम को इससे तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, सीएम साहब भी कोई तकलीफ नहीं है, 32 तो लागू होगा। आज सभी माननीय सम्मानित विधायकगण, माननीय मंत्री जी के साथ सभी प्रखंडों से कार्यकारी प्रमुख जो हैं और कार्यकारी पंचायत के मुखिया हैं उनके साथ की गई है। और आज का वित्तीय वर्ष का बजट भी आज हम लोगों ने DMFT का सभी के सामने रखा है, और साथ के साथ जो प्राथमिकताएं हैं खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, दिव्यांगजनों के लिए उसको हम लोगों ने रखा है, आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने रखा है। इस बार हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि बड़ी योजनाओं को ना लेके पंचायत स्तर पर छोटी छोटी योजनाओं को हम लोग लेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक योजनाओं का चयन करके सभी क्षेत्रों में लगभग जो पंचायत के माध्यम से जो योजनाएं मिलती हैं उनको हम लोग अनुमोदित करके धरातल पर ला सकें। मंत्री जी ने तो कह दिया कि सबके साथ न्याय होगा, आपको क्या लगता है बैठक में जो योजनाएं आई चाहे जो भी शिकायतें लोगों के द्वारा की गई, क्या लगता है? देखिए, जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि और स्वाभाविक इनकी शिकायत में कुछ स्वाभाविकता भी है कि कई मुखिया सात साल हो गया, कई मीटिंग में आया लेकिन आज तक इन लोगों की योजनाएं नहीं लेगी। हमने भी यही बात कहा था कि मेरे भी विधायक बने 27 महीने हो गए, 4 DMFT की बैठक में भाग लिया, हजारों योजनाएं उसमें शामिल की गई, पारित की गई, लेकिन ज़मीन पर कितनी उतरी ये तो सरकार को बताना चाहिए। निश्चित रूप से हमने कहा है कि जिला प्रशासन को DMFT के आज की जो बैठक है नया परिषद, उसमें निश्चित रूप से सारे जनप्रतिनिधियों के भावना के आलोक में सारे जनप्रतिनिधियों से अनुशंसा करके जो राशि उपलब्ध है, जो राशि होने वाली है, सारे का आकलन करते हुए उसी के हिसाब से योजनाएं ली जाए, और जो योजनाएं ली जाए वो योजनाएं स्वीकृत हो और ज़मीन पर उतरे। तो इसके लिए प्लान करना चाहिए कि जितनी राशि है उस राशि के आलोक में उसका आकलन हो और उसी आकलन के आलोक में उतनी ही योजना ली जाए, सभी जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा के आलोक में योजनाएं ली जाएं, ग्राम सभा से उन योजनाओं को पारित कराए जाएं, उनका प्राकलन बनाया जाए, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति की जाए और उन सारी योजनाओं का निविदा करके उन योजनाओं को जमीन पर उतर व्यवहारिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो, ये हमने सुझाव दिया है। एक बात बताइए, जैसा देखिए, निश्चित रूप से जिन भी जनप्रतिनिधियों की योजनाओं का अनुशंसा आया है सारे अनुशंसाओं को एक जगह समेकित करके प्रोसीडिंग में सभी को शामिल करना चाहिए और सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो और सभी जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा के आलोक में आज की जो बैठक है उसमें प्रस्ताव समेकित रूप से बने और सभी लोगों की योजनाएं पारित हो, ऐसा जिला प्रशासन को प्रयास करना चाहिए। क्या लगता है आपको? नहीं, हम लोगों ने तो स्पष्ट रूप से सुझाव दिया है कि पूर्व की बैठकों में जिस तरह से योजनाएं पारित होती है और सिर्फ पारित रह जाती है,
जमीन पर नहीं उतरती है, तो इस बार निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो योजनाएं आज पारित हुई हैं इन योजनाओं को ग्राम सभा से पारित कराया जाए, प्रकलन हो, प्रशासनिक स्वीकृति हो, निविदा हो और ज़मीन पर उतरे, इस दिशा में हम लोग का भी सकारात्मक प्रयास, दिशा निर्देश और सहयोग रहेगा जिला प्रशासन को। फिर करने की बात है, सीता सोरेन आज राज्यपाल से मिली हैं और निकलने के बाद उन्होंने मीडिया में बयान दिया है कि जेएमएम के ही कुछ विधायक जो है चार्टर्ड प्लेन से जाके दिल्ली में मिले हैं और सरकार को गिराने की कवायद कर रहे हैं। देखिए, ये जेएमएम ही बता सकती है कि क्या हो रहा है उसके अंदर में। जेएमएम में शामिल विधायक कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा, ये तो जेएमएम को ही सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए। किसी दूसरे के घर में और किसी दूसरे के घर में दखलंदाजी देना, उनके घर की बातों को जानना, जानने का प्रयास करना, ये हम लोगों के संस्कार में नहीं है। जेएमएम को ही सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि उनके घर में क्या हो रहा। तो क्या लगता है कि लोगों तो कहना है कि विपक्ष का खेल है सारा ये? नहीं, विपक्ष को क्या मतलब है? विपक्ष तो आज 27 साल में किसी प्रकार 27 महीने में किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया, आगे भी नहीं करेगी। लेकिन ये बात है कि अगर बहुमत की सरकार है तो आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन विषयों को लेकर सरकार के प्रति जनाक्रोश भड़का हुआ है, आज राज्य की 3.25 करोड़ जनता सड़क पर उतर कर 1932 के खतियान की मांग कर रही है, सड़क पर उतर के आंदोलन कर रही है, सड़क से सदन तक ये मामले चल रहे हैं, ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहा है, पंचायत में ओबीसी आरक्षण को दिए बिना सरकार पंचायत चुनाव कराना चाह रहे हैं, राज्य की 55% ओबीसी का अहित करना चाह रही है सरकार। तो निश्चित कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को आगे आकर निर्णय लेना चाहिए। सरकार को 1932 या खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने को लेकर निर्णय लेना चाहिए। इसी सरकार के मुखिया ने घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएगी। फिर क्या हुआ? 27 महीने में तो कुछ नहीं किया सरकार ने। जितना भी राज्य की जनता को जितने भी आश्वासन दिए हैं, जितने भी वादे किए हैं, सारे वादे से सरकार मुकर रही है और कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा, परिणाम आज भी कर रहे हैं। आप देख लें कि लोग आज भी ये कर रहे हैं, अभी आपके मंत्री जी कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर लागू होगा, लेकिन उधर इनका सीए इस मामले में सरकार में जो चल रहा है, मुख्यमंत्री जी स्वयं सदन में कहते हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करना संभव नहीं है। एक तो मुख्यमंत्री का बयान, अब मुख्यमंत्री के बयान के सामने मंत्री का बयान का क्या मतलब है आप समझ सकते हैं। ये मंत्री जी का बयान निश्चित रूप से राज्य की जनता को दीर्घभ्रमित करने वाला। जब मुख्यमंत्री स्वयं सदन में कहते हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर संभव नहीं है, फिर दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी सफाई देते हैं और सफाई देते देते 1932 से 2005 तक पहुंच जाते हैं। तो ये सरकार और सरकार में शामिल लोगों के करनी और कथनी में आसमान और ज़मीन का अंतर है। कि 1932 गंभीर रहते तो आज लोभिन शरण रोड पर उतर कर क्यों इतना बड़ा संकल्प लेते? उन्होंने 5 अप्रैल से घर जाना छोड़ दिया है और तब तक वो घर नहीं जाएंगे जब तक ये सरकार स्थानीय नीति नहीं लागू करेगी। तो अब तो निश्चित रूप से सरकार में शामिल दल ही और शामिल दल और उसमें कई नेता भी इस संदर्भ में खुल के आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को अब चाहिए बिना विलंब किए हुए, क्योंकि राज्य की जनता में सरकार के प्रति जनाक्रोश है, अविश्वास का माहौल बना हुआ है। तो अब बिना किसी विलंब किए हुए सरकार को 1932 का खतियान या खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करना चाहिए। राज्य की 1,85,00,000 की पिछड़ी जातियों को 27% जो आरक्षण देने का ये अपने घोषणा किए हैं उसको जमीन पर लागू करना चाहिए और पंचायत चुनाव होने से पहले ओबीसी को आरक्षण। बोकारो से संवाददाता अमरनाथ पोद्दार की रिपोर्ट।